लेकिन एक और बड़ी अपडेट जानिए, नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री का पोस्ट है, किसी के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान है ये उनका पोस्ट, हम आपको बता रहे हैं। मामले से जुड़े तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान से जो छात्र हैं वो भी मिले हैं। उसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लिए। उन्होंने लिखा है, नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन जब ये इतना सब कुछ घालमेल चल रहा है तो यहां कुछ सवाल बनते हैं और पूछना चाहिए कि सरकार जो है कब इसका जवाब देगी। विवाद के 9 दिन बाद नींद से क्यों जागी सरकार? लंबा विवाद चल रहा था, सब जगह प्रदर्शन चल रहे थे, लोग परेशान थे, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 9 दिन लग गए उसमें सरकार को सोचते सोचते। जागते ही एनटीए को ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया? आप आए और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं एनटीए में सब कुछ ठीक है, छोटे छोटे मामले उनकी जांच हो जाएगी। पद संभालते ही शिक्षा मंत्री ने यह क्यों कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि इसके कई सबूत हैं। रजिस्ट्रेशन खोलना, एक से नंबर्स आना, बच्चों के FIR होना, पेपर लीक की बात होना, कई बातें सामने आई। भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पटना में जो 13 लोग हिरासत में क्यों लिए गए, यह भी तो सवाल बनता है ना। 33 लाख में प्रश्न पत्र बिकने की FIR जांच है, आखिरकार वो क्यों मंजूर की गई? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, 10 दिन पहले लोकसभा के नतीजे के 4 दिन यानी कि 4 जून को रिजल्ट क्यों दिया गया? पहले कहा गया था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, फिर अचानक से बिना किसी सूचना के एनटीए ने 4 तारीख को रिजल्ट रिलीज कर दिया। और इस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि इधर जो लोकसभा के रिजल्ट आ रहे हैं तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, हंगामा नहीं होगा, आसानी से धांधली जो है वो छिप जाएगी। उसके अलावा नीट के इतिहास में आज तक 67 बच्चों ने एक साथ टॉप नहीं किया है, तो ये सारे इत्तेफाक एक साथ ही कैसे हो गए, यह सवाल भी पूछना बनता है। ग्रेस मार्क्स की नई प्रथा की जानकारी रिजल्ट वाले दिन क्यों नहीं बताई गई? 1700-1800 रुपया लिया जाता है एक बच्चे से, आपको क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर ऐसी कोई पद्धति आप अपना रहे हैं तो उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी करें आप। इसके अलावा 1563 बच्चों को ही पेपर देर से मिला, ये एनटीए ने कैसे तय कर लिया कि 1563 बच्चों को ही पेपर देर से लिया गया? इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर ये देख रहे हैं ना, नीरज पांडे, धर्मेंद्र प्रधान ने यह कैसे तय कर लिया कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के बयान को बहुत आप सुने तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब तक पेपर लीक के सबूत नहीं सामने मिले हैं। तो इससे एक बात सीधे तौर पर ये लग रही है कि पेपर लीक जैसी कोई अभी तक प्रमाण आए नहीं सामने। तो उन्होंने यही बात कही कि गड़बड़ी हुई है, जिन 6 सेंटर्स में गड़बड़ी की बात आ रही है उसमें 1563 बच्चों के रीटेस्ट की बात मान ली है। उसके लिए बाकायदा मंत्रालय ने एनटीए के जरिए एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जो पूरे मामले का असेसमेंट कर रही है और उसने अपने प्रपोजल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रपोजल को एडॉप्ट भी कर लिया। मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कल हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम छात्रों के हित में हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो कोर्ट हमें कहेगा। कोर्ट ने हमारे प्रपोजल को एडॉप्ट कर लिया है। कुछ एफआईआर की बातें करते हैं कि पेपर के साथ छात्रों का वो पकड़े जाना, गोधरा में पैसे के साथ लोगों का पकड़े जाना, तो ये सब यही साबित कर रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसी को भ्रष्टाचार करते हैं ना, कहते हैं ना, इसकी कोई नई परिभाषा तो बनी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि किसी एक सेंटर में कोई एक व्यक्ति अगर किसी पैसे के साथ पकड़ा जाता है या कुछ गलत करते पकड़ा जाता है तो उससे करीब लाखों बच्चों जो एक साथ एग्जाम में बैठे हैं उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वो एक मसला हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन केवल एक मसले को लेकर या एक सेंटर के मसले को लेकर आप पूरे देश की परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते या अपने पूरे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बात मंत्रालय भी अच्छे समझता है, ये बात कोर्ट भी अच्छे समझता है, क्योंकि 1563 बच्चों के अलावा एक और जिज्ञासा है जिससे सवाल उत्पन्न हो रहा है। नीरज,
नीरज, एक और जिज्ञासा जिससे ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पटना, ये जो पेपर होने थे वो 5 मई को होने थे, 4 मई को पटना में कैसे दे दिए गए? मतलब गोधरा में भी ये इत्तेफाक हो जाता है, पटना में भी ये इत्तेफाक हो जाता है, हजारीबाग सेंटर है वहां भी इत्तेफाक हो जाता है, और कई मामले जहां मुझे तो लगता है कि FIR जहां जहां पे नहीं हुई होंगी दर्ज वहां भी ये इत्तेफाक हुए हैं। अब की बार NTA ने जो एग्जाम 2024 में नीट का लिया है सिर्फ इत्तेफाकों पर ले लिया, सारे इत्तेफाक इसी साल हो गए। निश्चित रूप में विवेक, जो आपने सवाल खड़े किए ये सवाल बनते हैं और इन सवालों का जवाब मंत्रालय को देना चाहिए, और ये सवाल बच्चों के कई पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं और इसी को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है। तो कोर्ट, हमें लगता है कि कोर्ट के आदेशों तक इंतज़ार करना चाहिए, और कोर्ट मुझे लगता है कि बहुत पूरे मामले में बहुत भली भांति से अवेयर भी है और कोर्ट उस मामले की सुनवाई भी कर रहा है। मंत्रालय भी वेट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, इसीलिए मंत्रालय बार बार कह रहा है कि सारे जो मसले हैं वो एक जगह सुनवाई हो, उनकी एक जगह सुनवाई हो, ताकि बहुत आसानी से जो चीज़ें सामने आए उसको एड्रेस किया जा सके। फिलहाल देखिए, एक बात साफ है कि सरकार की नियति भी बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मेंद्र प्रधान बार बार कह रहे थे कि सरकार की नियत साफ है, सरकार बच्चों के साथ है, और सरकार बच्चों के साथ है, लेकिन बच्चे परेशान हैं, यही तो रोना है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। ABP News आपको रखे आगे।